हेलो एवरीवन, दिस इज निलू फरनीहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा ले। तो आज हम बात करेंगे केवीएस टीचर की जो रैंक जो वॉक इंटरव्यू हुए थे, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की जो वॉक इंटरव्यू हुए थे उसमें बच्चों को जो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन्हें अभी तक ज्वाइनिंग के लिए कॉल क्यों नहीं गए, या फिर क्या रीज़न है कि उन्हें ज्वाइनिंग के लिए कॉल नहीं गए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकें। लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा एज सून एज पॉसिबल। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की जो वैकेंसी होती है वो कोई भी परमानेंट टीचर है जो कि काफ़ी लंबे समय से एब्सेंस है या फिर लंबे समय के लिए जाने वाली है, तो वहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को रखा जाता है। जितना जैसे कि आप भी जानते होंगे, देखिए जो केवीएस में टीचर्स हैं उसमें जो मोस्टली जो प्राइमरी सेक्शन वाला जो होता है उसमें काफ़ी टीचर्स होते हैं, वैकेंसी काफ़ी सारी होती है और मोस्टली जो सिलेक्शन का भी जो प्रोसीजर होता है उसी में ही होता है। ठीक है, कि वैसे तो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर में काफ़ी सारे टीजीटी में भी सिलेक्ट होते हैं, पीजीटी में भी होते हैं और पीआरटी में भी होते हैं, लेकिन पीआरटी में ज़्यादा वैकेंसी होती है तो ज़्यादा चांसेस पीआरटी में सिलेक्ट होने के होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर कब सिलेक्ट होते हैं, जब या तो वो किसी लंबी छुट्टी पे जा रहे हो या फिर लंबे समय से एब्सेंस हो रहे हो। ठीक है, और तो उनको तब बुलाया जाता है, जैसे कि कोई अगर किसी को प्रेगनेंसी है, ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद कोई लंबी छुट्टियों पे जा सकता है, किसी को हेल्थ इश्यूज है तो वो लंबी छुट्टियों पे जा सकता है, तो उनकी जगह कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को रखा जाता है। अब यहाँ पर कई बच्चों को कन्फ्यूज़न ये हो रही है कि हम सिलेक्ट तो हो गए बट हमें अभी तक कॉल ही नहीं आया। तो कॉल इसलिए नहीं आया अगर किसी भी स्कूल में वैकेंसी नहीं होगी। ठीक है, अगर किसी भी स्कूल में वैकेंसी नहीं होगी यानी कि उसके परमानेंट टीचर सारे ही अवेलेबल हैं तो वहाँ पर वैकेंसी नहीं निकलेगी और वहाँ से आपको कॉल नहीं आएगा। और अगर किसी स्कूल में वैकेंसी है तो जो रैंकिंग होती है ना उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा, जैसे कि जो फर्स्ट रैंकिंग में होंगे बच्चे उन्हें पहले बुलाया जाएगा और जो सेकंड में होंगे थर्ड में होंगे, और ये हर साल सेम क्राइटेरिया होता है, यही नहीं कि इसी बार ऐसा हो रहा है या फिर इस साल ऐसा हो। देखिए, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सिक्स सेवन्थ एट ये जो बच्चे होते हैं अगर कहीं भी वैकेंसी निकलती है तो इन्हें बुलाया जाता है और इन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस इन्हें ही दी जाती है, लेकिन शर्त यही होती है कि वहाँ वैकेंसी होनी चाहिए उस स्कूल में या फिर उस डिपार्टमेंट में जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हुई। दूसरी चीज़ कि इंटरव्यू जो ज्वाइनिंग के लिए आपको कॉल आएगा वो तभी आएगा जब वैकेंसी होगी, अगर नहीं आया कॉल इसका मतलब उस स्कूल में वैकेंसी नहीं है या फिर उस डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि परमानेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर में वही परमानेंट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। हर साल आप अगर आप इस बार सिलेक्ट हो भी गए हो, ठीक है, आपका कॉल इंटरव्यू भी आ गया है, कॉल भी आ चुका है ज्वाइनिंग के लिए, तो उसके बाद भी आपको परमानेंट टीचर की वैकेंसी नहीं रखा जाएगा, क्योंकि काफ़ी में दो तीन कमेंट्स मैंने ऐसे पढ़े थे जिसमें कि बच्चे ये भी उन्हें कन्फ्यूज़न था कि उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा क्या, तो उन्हें परमानेंट भी नहीं, एक साल का जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये एक साल में भी डिपेंड करता है कि अगर उस सब्जेक्ट का टीचर अवेलेबल हो जाता है मतलब बीच में ही अवेलेबल हो जाता है परमानेंट टीचर तो आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर सिलेक्ट नहीं होते हैं तो निराश मत होइए, अपनी कोशिश में लगे रहिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर सिलेक्शन होगा। बस ये है कि थोड़ा धीरे धीरे अपने काम में लगे रहे, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरीन आपके नसीब में होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है। अगर अब भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और मैंने कोशिश तो की है आपके सारे डाउट क्लियर करने की, लेकिन अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।